हेलो एवरीवन, नमस्कार सबैजनालाई। है आज मेरो ट्राफिक छ लुथेनिया र पोल्यान्डमा चाहिँ कुन चाहिँमा बढी छिटो लाइसेन्स निकाल्न सकिन्छ भन्ने ट्राफिक छ। यो चाहिँ म हिन्दीबाट भन्नेछु है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेलो एवरीवन, इन्डियन और पाकिस्तान बङ्गलादेश जितना भी भाई लोग है, आप लोग के लिए आज का मेरा ट्राफिक है। मैं डेनमार्क से अभी लोडिंग के लिए जा रहा हूँ, लोड करके मैं स्वीडन जा रहा हूँ बाई फेरी। आज का ट्रैफिक है और लुथेनिया और पोलैंड में आप लोग के सबसे अच्छा और सबसे लाइसेंस के लिए कौन सा कंट्री अच्छा है, मैं ये वीडियो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दे रहा हूँ। आज मेरा ट्रैवलिंग और आप लोग को मैं सब चीज़ वीडियो में भी दिखाऊंगा, आप लोग देख सकता है। आप लोग के हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ। हेलो एवरीवन, अभी लोडिंग हो गया ट्रक। देखो ऐसा कितना बेल्ट है। अभी आप लोग भी यूरोप में आएगा तो ऐसा पूरा बेल्ट लगाना पड़ेगा। 15 बेल्ट है और लोडिंग में पूरा सेफ्टी होना चाहिए, इसलिए आप लोग भी आएगा तो ऐसा बेल्ट लगाने का बहुत कंपलसरी है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। भाई लोग, अभी मेरा ट्रक लोडिंग हो गया। अभी मैं डेनमार्क से स्वीडन के लिए जा रहा हूँ। कभी कभी है ना ऐसा लोडिंग होता है, जो पायलट होता है ऐसा रोल में हम लोग का बेल्ट बहुत कंपलसरी लगाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी तो हम लोग को वो कार्टन लोडिंग होता है, वो हल्का चीज़ में तो बेल्ट का ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आप लोग के लिए देखा रहा हूँ ऐसा हम लोग करना पड़ेगा आगे। हेलो एवरीवन, आप लोग भी देख सकता है इधर अभी मैं डीजल डाल रहा हूँ। डीजल खुद फील करना पड़ता है इधर, नीचे बहुत इसने वो है, स्लिप करता है। हेलो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा जितना भी यूरोपियन ड्राइविंग लीग के लिए आएगा, इसके लिए हेल्पफुल के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी मैं फ्रेडरिकसन पहुँच गया हूँ डेनमार्क का। अभी मैं इधर से स्टीना लाइन से मैं टिकट लेता हूँ ये ऑफिस से, बाद में हमारा डॉक्यूमेंट इधर से मिलेगा। फिर इसके बाद मैं है ना स्वीडन के लिए गोटेबर्ग जा रहा हूँ। इधर से ट्रैवलिंग मेरा 4 आवर का है, इसलिए आप लोग भी आएगा तो ऐसा सेम प्रोसेसिंग करना पड़ता है, इसलिए आप लोग भी देखो, आप लोग को मालूम पड़ेगा। अभी मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट था, मेरा जितना भी लोडिंग का है ना CMR और कस्टम के लिए जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट स्टीना लाइन से मिल गया। अभी मैं जा रहा हूँ इधर से है ना, अभी एक गोटेबर के लिए शिप में गाड़ी लेके जा रहा हूँ। हम लोग कैसे शिप में लगाना पड़ता है गाड़ी, इसलिए मैं आप लोग के लिए ये सब दिखा रहा हूँ। जैसे अभी शिप में देखो, अभी मेरा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर में जा रहा हूँ ये गाड़ी पार्क के लिए, मेरे को सिग्नल दिया उधर से। इसके लिए आप लोग भी यूरोपियन ड्राइविंग का लाइफ है ना, कैसे कैसे हम लोग गाड़ी लेके जाना पड़ता है, कौन सा कंट्री लेके जाना पड़ता है, इसके लिए मैं आप लोग के लिए डिटेल्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोग भी आके हम लोग जैसा करता है ऐसा सेम करना पड़ेगा जितना भी हमारा भाई लोग आएगा। इसके लिए आप लोग देख सकता है अभी मैं फेरी में इधर से डेनमार्क से स्वीडन का गोटेबर्ग जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी कभी भी बाद में भी आएगा तो आप लोग भी हमारा जैसा ड्राइविंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी पार्किंग हो गया, अभी फेरी है ना स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं डेनमार्क से स्वीडन के लिए, इसलिए आप लोग भी देख सकते हैं। Thank you.
वेलकम टू स्वीडन। अभी गोटेबर्ग में पहुंच गया। देखो ये ब्रिज है, इतना हाइट से शिप जा रहा है, इतना थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अभी मैं स्वीडन पहुंच गया, इधर अभी स्वीडन में स्टार्ट हो गया मेरा गोटेबर्ग सिटी। आप लोग देख सकता है ऐसा है इधर का हमारा ट्रैवलिंग। बाद में आप लोग भी आके है ना ऐसा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग को ये ब्रिज है, ये बहुत हाइट ब्रिज है गोटेबर्ग। जब गोटेबर्ग स्टार्ट होता है उसमें ये ब्रिज क्रॉस करके शिप आगे जाता है सिटी के तरफ। अभी ड्राइविंग लाइफ कैसा होता है देखिए। अभी मैं फेरी से आ रहा है, अभी गोटेबर्ग पहुंच गया। अभी ये आप लोग भी आके है ना हमारा ड्राइविंग लाइफ कैसा होता है इसके लिए मैं ये व्यूज भी दिखाता हूँ। ये गोटेबर्ग स्वीडन का सेकंड सिटी है, ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। इसलिए मैं अभी फेरी से अभी पहुँचने वाला है इधर। हम लोग जैसा भी हम लोग काम करता है ना, बाद में आप लोग भी आके इधर का ड्राइविंग लाइफ ऐसा होता है, हम लोग काम कर सकता है। इसके लिए हम लोग को कभी रोड से आएगा तो बहुत दूर होता है, ज़्यादा किलोमीटर होता है, इसके लिए किसी कंपनी ने हम लोग को थोड़ा नज़दीक के लिए बाई फेरी आना पड़ता है। इसके लिए हमारा बहुत टाइम भी सेव होता है, इसलिए जल्दी पहुंचता है। अभी फेरी से मैं निकल रहा हूँ, अभी गाड़ी निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हेलो, आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग है ना मैं पहुँच गया डेनमार्क। अभी डेनमार्क से हम लोग फेरी से ऐसा ड्राइविंग करके निकलना पड़ेगा। ये हम लोग जितना भी ड्राइवर लोग आता है सबके लिए है ये, बाद में इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। अभी मैं आप लोग को दिखाया है फेरी में हम लोग कैसे जाने का, फिर कैसे आने का। अभी देखो मेरा टॉप फ्लोर में था, सेकेंड थर्ड में। अभी मैं गाड़ी निकल के गोटेबर्ग सिटी पहुंच गया। ये काम है ना हम लोग जितना भी ड्राइवर है सबके लिए करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं ये गोटेबर्ग सिटी है ना। अभी मैं फेरी से निकल के अभी जा रहा हूँ अनलोडिंग प्लेस में। जैसे हम लोग का ड्राइविंग लाइफ कैसा कैसा होता है, हम लोग कैसे ड्राइविंग करता है, कैसा सिटी के अंदर जाने का, ये हर चीज़ है ना आप लोग को ये सिटी का जितना भी सुंदरता ब्यूटीफुल सिटी ये सब हम लोग ड्राइवर को है ना देखने के लिए मिलता है। क्योंकि नया नया कंट्री हम लोग जाता है, इसलिए आप लोग को भी दिखाता हूँ जितना भी भाई लोग आता है। बाद में आप लोग भी सेम हम लोग जैसा ड्राइविंग करके आप लोग को भी ऐसा सिटी हर चीज़ में हम लोग का एक्सपीरियंस होता है, आप लोग देख सकता है, इसलिए करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ड्राइविंग करके है ना हम लोग का सब जीपीएस के रोड से हम लोग चलता है, इसके लिए हम लोग को रोड मालूम जीपीएस फॉलो करके हम लोग जा रहा हूँ। देखो आप लोग भी बाद में कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच जितना भी भाई लोग है। अभी आज मैं आप लोग के लिए है ना, अभी मैं इधर हम लोग पोलैंड कंपनी में है, इसके लिए मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोग जितना भी बाहर जितना भी नेपाली इंडियन और पाकिस्तान बांग्लादेश जितना भी भाई लोग आ रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे अच्छा कंट्री है ना आप लोग को मैं पोलैंड आने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादा आदमी लोग है ना लुथेनिया भी जा रहे हैं, लुथेनिया भी अच्छा है कंट्री, लेकिन आप लोग के लिए है ना सबसे अच्छा फायदा आप लोग के लिए है ना पोलैंड में अच्छा है। क्योंकि पोलैंड में आप लोग आएगा तो आप लोग के लिए लाइसेंस है ना इजीली बनता है, इसके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग लुथेनिया जाएगा तो लुथेनिया में है ना मेरा भाई लोग है उधर, अभी 3-4 ईयर्स हो गए उधर ड्राइविंग करता है, लेकिन उधर अभी तक वो लोग का है ना मेरा भाई लोग को जितना भी दोस्त लोग है वो लोग को अभी तक लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि उधर लाइसेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम है, उधर लाइसेंस बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले तो छोटा गाड़ी का वो थ्योरी क्लास देना पड़ेगा,
लुथेनिया में, और उसके बाद आपको है ना उसके बाद आप लोग को फिर रोड टेस्ट भी देना पड़ता है उधर, ये भी प्रॉब्लम है उधर। इसके लिए मैं आप लोग जितना भी मेरा भाई लोग है प्लीज़ आप लोग आ सकता है पोलैंड में, है ना। आप लोग पोलैंड में आएगा तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पोलैंड में आप लोग का इजीली लाइसेंस भी बन जाता है। इसके लिए मैं आप लोग के लिए पोलैंड में आने के लिए अच्छा बता रहा हूँ, क्योंकि लुथेनिया में आप लोग को फिर बड़ा गाड़ी के लिए है ना भी वही सेम प्रोसेसिंग होता है। पहले छोटा गाड़ी का थ्योरी क्लास करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको है ना उसके बाद भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो थ्योरी क्लास के बाद फिर आपको रोड टेस्ट भी देना पड़ता है उधर, और पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है लुथेनिया में। इसके लिए आप लोग के लिए बहुत परेशान भी होता है फिर उधर बैठ के, और खाने के लिए है ना हम लोग का उतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो जितना भी भाई लोग है हम लोग काम करने के लिए आता है इधर, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। जितना भी भाई लोग है प्लीज़ आप लोग अप्लाई करो तो पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड में लेट होता है, लेकिन पोलैंड में आएगा तो आप लोग का लाइसेंस है ना इजीली बनता है, क्योंकि इधर आप लोग को रोड टेस्ट का ज़रूरी नहीं है। इधर आप लोग आएगा तो आपको सिर्फ थ्योरी क्लास देना पड़ेगा, इसके बाद तो आप लोग इजीली लाइसेंस मिल सकता है इधर। इसलिए मैं ये लाइसेंस के लिए मेरे को पूछ रहा था लुथेनिया और पोलैंड में कौन सा अच्छा है बोल के मेरा भाई लोग बहुत मेरे को मैसेज किया था, लेकिन ये आप लोग चॉइस करने का, क्योंकि आपको फ़ायदा है तो पोलैंड फ़ायदा है, क्योंकि वो तो आप लुथेनिया भी जा सकते हैं, लुथेनिया भी ड्राइविंग तो सेम है, हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही सेम है, हम लोग जैसे वो भी ट्रांसपोर्ट में चलता है चलना पड़ता है, लेकिन क्या है ना उधर का रूल्स और पोलैंड का रूल्स में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पोलैंड का रूल्स में आप लोग पोलैंड में आएगा तो आपका लाइसेंस है ना इजीली बनता है, लेकिन लुथेनिया में आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और आप लोग तो उधर इंटरनेशनल लाइसेंस से है ना ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि अभी लुथेनिया में मेरा भाई लोग है उधर, अभी वो लोग मेरे को बता रहा है अभी तो उधर लुथेनिया में ना जितना भी भाई लोग जा रहा है उसमें क्या है आप लोग का है ना अभी पहले 6 मंथ का बनता था कोड 95, और उसके बाद अभी कोड 95 का कोड 95 नहीं सॉरी पहले तो आप लोग को उधर बन रहा था जो ड्राइविंग कार्ड है ना टाकोग्राफ, टाको कार्ड उधर आप लोग को पहले 6 मंथ का दिया था बाइक का, बाद में अभी तो उधर दिया है 3-5 ईयर्स का दिया शायद 5 साल का बनता है बोलता, उससे तो आप लोग इंटरनेशनल लाइसेंस से ड्राइविंग कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस से आप ड्राइविंग इजीली कर सकता है, लेकिन आपको जो उधर का लाइसेंस के लिए है ना प्रॉब्लम है, आप लोग उधर का लाइसेंस बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उधर आप लोग बड़ा गाड़ी के लिए टेस्ट करेगा तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले स्टार्ट में लाइसेंस निकालने के लिए हम लोग पहले है ना अप्लाई करता है, बाद में जैसे थ्योरी क्लास होता है उसके बाद फिर हम लोग रोड टेस्ट के लिए है ना देता है ना, पूरा हम लोग जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है उधर जो लुथेनिया में। इसके लिए आपके पास टाइम भी नहीं होता है इतना है ना, इसके लिए आपको भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम लोग जितना भी भाई लोग बाहर आते हैं तो हम लोग थोड़ा काम में रहेगा तो हम लोग को फ़ायदा है, इसके लिए हम लोग सब फैमिली के लिए आता है, इसलिए आपको लाइसेंस में लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी मेरा भाई लोग भी है उधर 4 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी तक उसको लाइसेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग पोलैंड में आएगा तो क्या है ना आप लोग पोलैंड में आएगा तो आपको लाइसेंस इजीली बनता है, और लाइसेंस आपका सिर्फ थ्योरी क्लास होता है, उसके बाद तो आपका लाइसेंस मिलेगा तो आप फिर इधर कंपनी है ना चॉइस करके आपको दूसरा कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिलेगा और उसमें आप जा सकता है, क्योंकि लाइसेंस का आपका वैल्यू बहुत अच्छा होता है, आप जौन सा भी कंट्री में जाएगा आपका लाइसेंस का के लिए इसके लिए लाइसेंस में आपको फ़ायदा है। ये तो आप लोग डिसाइड करने का, आप लोग तो लुथेनिया अच्छा है या पोलैंड अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लाइसेंस के लिए तो हम लोग को लुथेनिया से पोलैंड बहुत अच्छा है, क्योंकि लुथेनिया का मेरा दोस्त लोग है भाई लोग पूछ रहा है, भाई लोग हम लोग भी अभी पोलैंड आना चाहता हूँ, क्योंकि अभी लुथेनिया में है ना लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, उधर लाइसेंस बनाने के लिए पूरा जीरो से करना पड़ता है। इसके लिए मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, आप लोग चॉइस करने का, आप लोग डिसाइड करने का, आप लोग लुथेनिया या पोलैंड, लेकिन हम मेरे हिसाब से तो पोलैंड अच्छा है और आप लोग के लिए भी सबसे अच्छा तो पोलैंड है। ओके थैंक यू सो मच, आप लोग को मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया मैं इतना फिर भी अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ओके थैंक यू सो मच भाई। हेलो एवरीवन, आप लोग देख सकता है देखो ऐसा रोड में बहुत डेंजर होता है ड्राइविंग करने के लिए, देखो थोड़ा इसमें है ये रोड है ना सफाई नहीं किया तो इसमें ऊपर चलना पड़ता है, देखो बहुत डेंजरस रोड है।
ज़्यादा गाड़ी ड्राइविंग करे स्पीड करेगा भी गाड़ी इधर उधर होता है, देखो बहुत डेंजर रोड है, बहुत केयरफुल करके हम लोग ड्राइविंग करना पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, बहुत केयरफुलिंग ड्राइविंग है, देखो ऐसा रोड है यूरोप में। हेलो, अभी मैं पहुंच गया इधर, मेरा गाड़ी अभी खाली करने के लिए पहुंच गया मैं इधर, अभी मैं इधर सुपर मार्केट में आया, अभी आप लोग भी देख रहे हैं हम लोग कैसे मार्केट में रुकेगा, किधर हम लोग शॉपिंग करेगा, आप लोग देखो ये सुपर मार्केट है, इसमें आप लोग का हर चीज़ मिलता है खाने के लिए, है ना। ये अभी तो आइस का वजह से है ना, इधर पार्किंग भी नहीं देख रहा है देखो, इसके लिए जब आइस नहीं है तो इधर बहुत क्लियर होता है, इसलिए आप भी जो भी ड्राइवर लोग आएगा बाद में देखो इधर का है ना, और जो सुपर मार्केट रास्ते में भी मिलता है, कभी सिटी के नज़दीक मिलता है, इधर हम लोग गाड़ी पार्क कर सकता है, इसलिए मैं अभी गाड़ी पार्किंग करके है ना मेरा जितना भी चाहिए सामान मैं ले सकता है इधर से बड़ा मार्केट में, आप लोग को खाने का फ्रूट का आइटम हर लोग आप लोग है ना रोटी जो भी आप लोग खरीद सकता है, इसलिए आप लोग के लिए कोई टेंशन नहीं, ये यूरोपियन ड्राइविंग लाइफ कैसा होता है इसलिए मैं आप लोग को स्टार्ट से मैं पूरा दिखाता हूँ, हम लोग इधर से ऐसे जाता है ये करके आप लोग को भी मालूम पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आप लोग को सुपरमार्केट भी देखो गाड़ी उधर लेके जाके साथ में जाके आप लोग जो भी चीज़ ले सकता है, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया। ओके, थैंक यू सो मच आप लोग का प्यार के लिए, लाइक सब्सक्राइब आप लोग के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग देख सकता है जितना भी भाई लोग यूरोपियन ड्राइविंग के लिए आएगा तो ये हम लोग जैसे करना पड़ता है, देखो बहुत आइस है इधर, आइस इतना ठंडा है, -15-20 है, लेकिन आप लोग को है ना हम लोग जब ड्राइविंग करके गाड़ी में बैठेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा गाड़ी में हीटर भी होता है और हीटर से हम लोग बैठ सकता है, इसके लिए हम लोग जिधर भी जाएगा आप लोग को शॉपिंग के लिए ये सुपरमार्केट है, आप लोग कर सुपरमार्केट में सामान ले सकता है, इसके लिए मैं वीडियो हर चीज़ वीडियो आप लोग के लिए दिखाता हूँ, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।